जी बिल्कुल, इनका मकसद चीजों को अंदर आने की और बाहर जाने की परमिशन देना है। आइए एक और एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। उम्मीद है कि आपको पौधों और जानवरों के सेल की साख के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एजुकेशनल गेम से समझते हैं। आइए कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। न्यूक्लियस में धागानुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड यस क्रोमोसोम इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, जरा सोचिए अगर सेल का न्यूक्लियस निकाल दिया जाए तो सेल का क्या बनेगा? जी हाँ, अगर सेल का न्यूक्लियस निकाल दिया जाए तो ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। सरगर्मी 1.2, आपको जरूरत होगी एक लाइट माइक्रोस्कोप, इंसानी रुखसार के सेल्स की तैयारशुदा स्लाइड, प्याज के सेल की तैयारशुदा स्लाइड। तरीकाकार, प्याज के सेल का माइक्रोस्कोप के नीचे मुशाहिदा करें, प्याज के एक सेल की शक्ल बनाएं, पहचान करें और इसके हिस्सों को लेबल करें। इंसानी रुखसार के सेल्स की स्लाइड का माइक्रोस्कोप के नीचे मुशाहिदा करें, एक सेल की शक्ल बनाएं और इसके हिस्से लेबल करें। दोनों सेल्स का मवाजना करें, आपने क्या फर्क तलाश किया? पौधों और जानवरों के सेल में कुछ चीजें तो एक जैसी होती हैं, लेकिन इनके दरमियान फर्क भी पाया जाता है और इस फर्क को समझने के लिए हम अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर देखेंगे।